नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक सुखद और पॉजिटिव समाचार आपको देना है। जर्मनी के एक युवक और रशिया की एक युवती, जिन्हें भारत अपना घर और भारत की सनातन संस्कृति अपनी सी लगती है, और कहीं ना कहीं वे जानते हैं, वे मानते हैं कि दुनिया की सबसे, जब दुनिया आरंभ हुई है, जब संसार आरंभ हुआ है, जब ब्रह्मांड आरंभ हुआ है, तब सनातन का आरंभ हुआ है। इसलिए शायद उनको भी अपने अंदर ये अनुभूति हुई होगी, आभास हुआ हुआ होगा कि ये बाकी जो आए हैं दो साल पुराने, 3 साल पुराने, जो मैक्सिमम 2.5 साल पुराने जो रिलीजन और 1400 साल पहले जो पागलपंथी आई है, इससे ये हमारे रिलीजन और मज़हब नहीं है। असली धर्म हमारा सनातन है, तो हमें सनातन से ही लगाव है। दुनिया भर की यात्रा कर चुके क्रिस मूलर ने जब यात्रा करना प्रारंभ किया, तो उससे पहले वो एक जर्मन बिजनेसमैन के बेटे थे, अभी भी जर्मन बिजनेसमैन के बेटे हैं। उनकी कंपनी सिंगापुर में थी और उसके वो सीईओ थे। वो जर्मनी में भी बिजनेस व्यवसायी के बेटे थे, वहाँ पर भी बिजनेस कर चुके थे और अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। और साथ में जब वो सिंगापुर में उन्होंने अपनी कंपनी की अपनी कंपनी का जो कमांड थी अपने पास संभाली, कारोबार जो संभाला, तो उनके वो एक सीईओ बन गए। उनके पास लंबोर्गिनी कार और अच्छी अच्छी बड़ी कारें थी, सब कुछ। उनको रईसों की तरह अपना जो 5-स्टार लाइफस्टाइल थी वो जीने में मज़ा आता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ बेचकर, उन्हें कुछ ऐसा लगा कि उन्हें संसार का भी भ्रमण करना चाहिए, जीवन को जानना चाहिए। तो होता है ना कि भगवान तुमको अपने पास बुलाते हैं, वही शायद सनातन ने उनको अपनी ओर बुलाया भगवान के द्वारा। और ये सृष्टि का एक नियति कहिए, वो है कि अगर ईश्वर की खोज में निकलेंगे, या कुछ जैसे कहते हैं ना कि सनातन अपने आप में हर समय कुछ एक सेवा और एक सीखने का नाम है। एक जो सनातनी होता है वो सीकर होता है, भगवान को खोजने वाला होता है, सत्य की तलाश में होता है। तो सत्य की खोज में ये भ्रमण करते हुए एक इन्होंने स्पोर्ट कार ले ली, छोटी स्पोर्ट कार। अब उसमें, अब जब ये यात्रा कर रहे थे, तो इनकी जो भेंट हुई इनकी जूलिया उख्वातीना, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, ये एक रशियन नेम है। आपको पता है कि रशियन आपको अपने जैसे लगते हैं, बस थोड़े गोरे होते हैं, लेकिन रशियन आप फीचर्स देखेंगे, नैनक्श। वैसे तो पाकिस्तानियों के भी फीचर्स हमारे ही हैं, क्योंकि थे तो हमारे ही हैं, तो हमारे ही, लेकिन क्या करें, अब वो मज़हब की पागलपंथी से हमारे ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे ही नहीं, अपनी जान के एक्चुअली, क्योंकि हमारे हमसे नफरत के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि अपना ही नुकसान कर देते हैं। हमें तो उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो क्या करते कि इतने बॉम्ब लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, या दिन भर हमारा नाम लेते रहते हैं इसलिए, वरना कुछ इतना गलत होता ही नहीं, नहीं अलग होते। खैर, जूलिया उख्वातीना से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इनमें प्यार हुआ, आंखें चार हुई, और इनकी बातें एक दूसरे, ऐसा लगने लगा कि एक दूसरे से हमारी बातें और ख्यालात, यानी कि जो विचारधारा है वो मिलती है। तो विचारधारा मिली, तो एक साथ इन्होंने भ्रमण करना आरंभ किया फिर से। जब ये भ्रमण करते करते भारत आए, तो इनको भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छी लगी कि एक 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 व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है और विवाह को निभाने का प्रयास करता है, और लोगों में जो परिवार का, जो परिवार के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वो किस प्रकार से होता है, और समाज के लिए समर्पण सनातन में किस प्रकार से होता है, हिंदू लोग कैसे रहते हैं, सनातनी कैसे रहते हैं, सनातनी हिंदू कैसे रहते हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से इन्हें प्यार हो गया, खाने पीने से, सबसे चीज़ से प्यार हो गया, और इन्होंने अपने आप को ढाल लिया। तो इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये विचार किया कि ये अपने, जब जूलिया उख्वातीना को अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, तो वो वाइफ नहीं अर्धांगिनी होगी। वाइफ हालांकि अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी भी बुरी नहीं है, हमें बोलचाल के लिए भारत को अगर पूरे विश्व में जाना है तो अपनी भाषा के साथ साथ कुछ भाषाएं अन्य भी सीखनी होगी। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कई बार टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो
फिर इन्होंने भारत को अपना शादी के लिए, विवाह के लिए स्थान चुना, और स्थान चुनने के बाद इन्होंने जूलिया के साथ परिणय सूत्र में, यानी कि आज बहुत दिनों के बाद आप परिणय सूत्र सुन रहे होंगे, क्योंकि विवाह को परिणय सूत्र कहा जाता है, यानी कि एक परिणय का सूत्र, मिलन का सूत्र है परिणय, जहाँ एक लड़की दूसरे गोत्र की, अपने पिता का गोत्र त्याग के उसके पिता उसका गोत्र को उससे छुड़वाते हैं और उसको दान मतलब उसके गोत्र का दान करते हैं और वो दूसरे गोत्र में आती है। अब वो वाला दान नहीं है, वो जो आलिया भट्ट वाला दान नहीं है, तो अब ये इसमें आ गए। और सनातन में इस सनातन संस्कृति के हिसाब से इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के सनातन संस्कृति का पालन करते हुए, जैसा कि क्रिस मुलर ने कहा कि मुझे यहाँ की भारत की सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्रेम है, बहुत प्यार है और लगाव है, यहाँ के लोग मुझे अपने से लगते हैं और मुझे लगता है कि भारत ही मेरा देश है और मुझे दूसरा अन्य देश कोई देश ही नहीं लगता, इतना प्यार और सम्मान मुझे इस देश में मिला है। तो उन्होंने जूलिया उख्वातिना के साथ भारत को अपना विवाह स्थल चुना और भारत की संस्कृति में वे रमे हुए दिखे। उन बहुत ही प्यारे सुंदर से लाल जोड़े में जूलिया को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करा और सारे मंत्रों जाप के साथ लंबा कुर्ता पजामा पहने हुए, सर पे पगड़ी बांधे हुए वो दिखे। और जूलिया जो थी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भारतीय नारी के परिधान में अपने सर पे सुहाग वाला जो हमारी सभ्यता का जो पल्ला होता है वो रख के पूरे वैदिक विधान के साथ पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ ये विवाह करते हुए देखे। ये सीख है उन लोगों के लिए जो भारत में ऐसी शक्लों में क्रिस्टन और हालेलुया करते हैं, ये उनके लिए सीख है कि समूचा विश्व जानता है, जैसे गीता कहती है कि पानी का आप धर्म नहीं बदल सकते हैं, सनातन ही रहेगा। वैसे ही आप अपनी पूजा पद्धति कितने भी स्टाइल में बदलने की कोशिश करिए, आप सनातनी और सनातन ही रहेंगे। जब टेक्सस के आर्कोलॉजिकल विभाग को 12,000 साल पुरानी मूर्ति निकल जाती है विष्णु भगवान की, तो आप क्या कहेंगे? सनातन को आप कितना भी झुकलाने की कोशिश करिए, ये सनातन है साहब, ये झुकने वाला नहीं। आप जहाँ भी खोदेंगे सनातन की आकृति और प्रकृति निकलेगी। ये प्रकृति जो है खुद गवाही देती है, खुद साक्षी है, इस सनातन की साक्षी है प्रकृति खुद है, ये ब्रह्मांड खुद है। चाहे आप कितना भी इसको पीर दिन बोल दीजिए, ये पीर दिन नहीं रहेगा, ये सोमवार है, ये भगवान शिव का वार है, और हर भगवान और हर ऋषि मुनि के नाम से ये दिन जाने जाते हैं। ये काल चक्र जो चलता है, ये जो काल चक्र चलता है, जो 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 पृथ्वी है और जो सूर्य है, जो ये इनके भ्रमण है, ये किस प्रकार से चलते हैं, ये काल चक्र सब सनातन की ही देन है। और जब से ये हैं सूर्य चंद्रमा तारे सितारे ब्रह्मांड, ये सब चीज़ इस सनातन तब से है। इसे भगवान ने बनाया है, इसे किसी बेटे ने और किसी मैसेंजर पैगंबर ने नहीं बनाया। समझे? कितना भी झुकलाओगे, जब इराक में खुदाई होगी तो हनुमान की मूर्तियां निकलेंगी, जब वो मक्का मदीना को भी खोद दोगे ना तो उसमें भी शिवलिंग निकलेगा। सबको पता है मूर्ति पूजक कौन थे और ज़ोरास्ट्रियन वगैरह कौन है, सब सनातन के ही हैं। और जब तुम पाकिस्तान में खुदाई करते हो ना तो 3,000-4,000 साल पुराने मंदिर निकल जाते हैं। तुम तो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे हुए इतिहास के मुताबिक तुम कहते हो कि 5,000 साल पुराना है, हट तुम्हारी 5,000 साल पुराना है, 5,000 साल पुराना नहीं है, द्वारका ही 30,000 साल से पुरानी निकल गई है। लेकिन अब क्या है, उसमें भी आ जाएंगे यहाँ पर अंग्रेज़ बनने। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये न्यूज़ कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे नहीं लाते हैं, हम समझाते हैं, प्यार से लाते हैं, और अगर और वो भी हम बहुत कम करते हैं, जो आना चाहता है हम उसका स्वागत ही करते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ सनातन में स्वागत है आपका। अगर आप सनातन में आना चाहते हैं तो कृपया कर हमारी संस्कृति और अपनी ही सभ्यता के जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में पढ़े, क्योंकि आपकी ही सभ्यता है। सनातन सबसे पुराना है, तो पूर्वज आपके क्या रहे, जो पूर्वज रहे उनका छोड़कर आप
दानवीय प्रवृत्ति के लोगों का एक ट्राइबल जो जो एक क्या बोलते हैं उसको बंजारा किस्म का जो है वो अपना के आप हमारे भारत में आक्रमण की प्लानिंग करते हो, तो ये कितनी गलत बात है। तो आप अपने सनातन में वापस आइए और पहले भागवत गीता पढ़िए और सही वाली पढ़िए, ये जो फ्रॉड वामपंथी हैं इनकी मत पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए। और आप ये जानिए कि हमारे वहाँ अवतार कैसे होते हैं, आप हमारे ऋग्वेद को पढ़िए, हमारे चिकित्सा विज्ञान को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कितने इंटेलिजेंट और कितने बुद्धिमान ये सनातनी हैं और ये रहे हैं और ये हैं। तभी तो अमेरिका भी कहता है क्या 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 हिंदू अपने आप में, क्या भारतीय अपने आप में कोई रेस है, ये बोलता है कि इनका IQ लेवल हाई होता है। एनीवेज दोस्तों, मैं प्राची अधिकारी सुखद समाचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ, और इतना मुस्कुराते हुए आज आप मुझे देख रहे होगी, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनाना। और मैं भाई क्रिस मूलर और बहन जूलिया उक्ता उख वाक्तीना को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे आपका ये पढ़ने सूत्र 7 जन्मों तक चले, हमारे वहाँ ये माना जाता है सनातन में, और सारे देवी देवताएं आप पे पुष्पों की वर्षा कर ले करें। अब ये जाहिल गवार कहेंगे पुष्पों की वर्षा कैसे होती है, भाई भावनाएं होती हैं, भगवान जो करते हैं वो संकेत देते हैं, जो संकेत उनके साथ हुआ है। जब कोई सनातन में आता है ना, उसका चेहरा देखिएगा जब वो पूजा वगैरह कर रहा होता है, एक अलग ही सुकून होता है। और हमारे मंदिरों में ऐसी मारने काटने की प्लानिंग नहीं हो रही होती है, आत्मरक्षा के बारे में ज़रूर बात होती है, और आत्मरक्षा करना भगवान भी कहते हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगा उसकी रक्षा मैं कैसे करूँगा, मैं तो केवल तुमको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए, कर्म करते रहो, इसलिए कर्म प्रधान। इसलिए दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आप हमें सहयोग करते रहिए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, शेयर करिए, या कुछ अन्य आर्थिक सहयोग करना चाहते तो अवश्य करिएगा, आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। और अगर कोई आपके पास इस प्रकार का अच्छा या बुरा कोई भी समाचार हो, या भारत विरोधी कोई कार्य कर रहा हो वो समाचार हो, तो कृपया करके हमें कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप लिखिए, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे। कोई फ़ोटो या वीडियो हो तो वो भी आप हमसे जो भेज सकते हैं उस वीडियोस को ईमेल के माध्यम से, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे। अपना सहयोग देते रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, शत्रुओं का नाश हो, समूचे विश्व में भगवा फहराए, हर हर महादेव।